सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी चेंजिंग द वे आप एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो बात करने वाले हैं छात्रवृत्ति व फीस भरपाई फंसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो 2017-18 की संबंधित थी, जो स्टूडेंट्स है बीडीसी डीएलएड के, उनकी फीस फंस गई है। हालांकि किस वजह से फंसी है, तो यहाँ पर आप लोग, ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मतलब है कि 2019 वाले इसे सीख ले लें। ठीक है, 2019 वाले ऐसी गलती जो आपकी बार 2019 में एडमिशन, जिनका सत्र लागू होगा अगस्त में, तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि आप लोगों की भी फीस फंस सकती है छात्रवृत्ति की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बीटीसी जगह डिप्लोमा डीएलएड 2017-18 के बैच में 1 लाख से अधिक प्रशिक्षकों की छात्रवृत्ति फीस की भरपाई सरकारी मदद फंस गई है। 2 साल गुजरने को और अभी तक इनको समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि नहीं मिल पाई है। समाज कल्याण निदेशालय इसकी वजह से परीक्षा नियामक पदाधिकारी प्रयागराज द्वारा समय से इन प्रशिक्षकों का ब्यौरा जारी न किया जाना बता रहा है। निदेशालय ने अधिकारियों का कहना है कि 2 साल में 4 सेमेस्टर के इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का पहला सेमेस्टर दिसंबर 2017-18 में पूरा हुआ है, इस लिहाज से दूसरा सेमेस्टर अप्रैल मई 2018 में पूरा होना चाहिए था, मगर 2018-19 का साल पूरा बीत गया, लेकिन दूसरे सेमेस्टर का ना तो रिजल्ट आया और ना ही द्वितीय वर्ष का प्रवेश किया जा सका। दोस्तों, इसी वजह से, क्योंकि रिजल्ट अब की बार लेट आया था, इसी वजह से जो 2019 वालों का ये अब की बार जो फॉर्म आया है लेट आया है, इस वजह से कोर्स भी लेट स्टार्ट हो रहा है। सबसे मेन बात यही है, सबसे मेन टॉपिक यही है कि इसी वजह से आप लोगों का लेट इतना हुआ है फॉर्म आने में। नहीं तो आप लोगों का फॉर्म मई में आके फिल होके और जो काउंसलिंग होनी थी वो आप लोगों की जून में हो जाती, और उसके बाद आप लोगों का जो सत्र था वो जुलाई में स्टार्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से आप लोगों का सत्र जो है अगस्त में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी थी इसी वजह से, तो ये आप लोग गलती मत करिएगा। देखिए, गलती यहाँ पर हुई है। ठीक है, दूसरे सेमेस्टर ना तो रिजल्ट आया है और ना ही द्वितीय वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हुई है। हालाँकि प्रशिक्षकों ने द्वितीय वर्ष में पहुँचे बगैर छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। ठीक है, जो मतलब क्या था कि जो 2-3 वर्ष में जाने वाले स्टूडेंट थे, तो उनका क्या था कि उनका अभी तक एडमिशन 2-3 वर्ष में नहीं हुआ था, और उससे पहले ही उन्होंने अपना इसके लिए छात्रवृत्ति के लिए फी आवेदन कर दिया था। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कर दिया था, लेकिन अभी तक 2-3 वर्ष में उनका एडमिशन नहीं हुआ है और उससे पहले उन्होंने आवेदन कर दिया, तो ये तो दोस्तों गलती है ही। तो यहाँ पर क्या बताया गया, ऑनलाइन आवेदन कर दिया था जो कि अनुचित है, इसलिए इनका पूरा डेटा ब्लॉक किया गया। ठीक है, इनका पूरा डेटा ब्लॉक कर दिया गया है। संगठन के लखनऊ जिला अध्यक्ष शरद कुमार ने मांगा है कि छात्रवृत्ति और फीस भरपाई जल्द हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक वीडियो बनाने का मेन मतलब है कि जो 2019 के स्टूडेंट थे वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जो उनका सत्र स्टार्ट हो जाएगा, जब ऑनलाइन के लिए आएगा तभी उसको फॉर्म भरेंगे छात्रवृत्ति का, उससे पहले नहीं भरेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप पहले ही भर देंगे तो फिर इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। मेन मकसद मेरा वीडियो बनाने का आप लोग ही हैं जो 2019 में, क्योंकि 2017-18 के टाइम में वीडियोस नहीं बनाता था। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद अभी है जो 2019 में आने वाले हैं, तो इनको मेरे को पूरी की पूरी जानकारी एक तुम बाकायदे से देनी है कि ये कोई गलती ना करें। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये आपको वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ये वीडियोस मुझे बनाने का दूसरा मकसद ये हुआ कि अभी मैंने इससे पहले वाला वीडियोज़ बनाया था, तो किसी कारण हुआ था यूट्यूब की किसी एरर की वजह से, शायद उसमें वॉइस नहीं आ पाई है। ठीक है, यूट्यूब के एरर की वजह से उसमें वॉइस नहीं बता रहा है, तो एक स्टूडेंट कमेंट किया था, तो उसको मैंने फिर से सुना। हालांकि मैंने जब सुना था तब उसमें वॉइस आ रहे थे, उसके बाद जब यूट्यूब पे अपलोड कर दिया उसके बाद उसमें वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, तो उसको मेरे को फिर से बनाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, यही मुझे को जानकारी देनी थी और यही वॉइस उसमें भी थी। तो दोस्तों, आशा करते वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।